बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपको बिजनेस का बी पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस का बी क्या होता है। बिजनेस का बी मतलब बाइंग, परचेजिंग पावर, खरीदी। नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के साथ मैं आपका दोस्त फुलचंद प्रजापति, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, वही आपकी अपनी कंपनी से। और आज का जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशली बाइंग से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ खरीदते नहीं है तब तक उसको सेल नहीं कर सकते। यानी कि बिजनेस करने के लिए आपको कुछ खरीद कर बेचना पड़ेगा, और अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपके बिजनेस में सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और अच्छे दामों पे आपको प्रोवाइड करती है। ऐसा भी है कि कुछ ट्रेंडी फैशंस वाली वैरायटीज़ कहाँ पर मिलती हैं, कौन सी जगह पर है, लेकिन लोग जो है एक ही तरीके की चीज़ें करते हैं, उसमें नया कुछ बदलाव नहीं करते हैं। हर एक दिन इंसान के लिए नया होता है और हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। और नई करने की शुरुआत की बात है तो नई सोच नई दिशा एकदम नया कॉन्सेप्ट है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का, जो हर एक दिन हर एक तरीके की वैरायटी नई होती है। लेकिन दोस्तों, ये सारी वैरायटी मंगाने के लिए आपको जो है करना क्या होगा, आपको करना होगा दो तरीके के काम। एक तो डायरेक्ट कंपनी में आप आकर माल देखकर चीज़ें ले जा सकते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि घर बैठे भी आप माल मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, बाइंग करने के लिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आप अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए, तो एक्चुअली में आपको जो भी मैन्युफैक्चरर आप चूज़ कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरर के बारे में पता करना पड़ेगा। एक्चुअली वो कंपनी कितनी ट्रस्टेबल है, आपको क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इवन केवल माल ही नहीं दे रही है, उसके अलावा आपको अपने बिजनेस में कैसे हेल्प कर रही है, जिससे आप अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी दिन दूना रात चौगुनी उसमें जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन सब बातें तो कैसी सुनी मानी जाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि केवल क्या होता है कि कंपनियां अलग अलग बोलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी शॉप का जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रोडक्ट से ही होता है, और हर एक कंपनी अपनी बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं निखारने की पूरी कोशिश करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कभी भी माल मंगा रहे हैं, कपड़े का काम अगर आप करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि भाई बिना कपड़े को देखे और उसको छुए अगर आप माल मंगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट ये आता है कि किसी भी नए मैन्युफैक्चरर के साथ आप जुड़ रहे हैं जिनके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया है, तो पहली चीज़ ये ज़रूर कीजिए दोस्तों कि आप उस कंपनी में जाइए, उनके बारे में समझिए कि एक्चुअली में वो क्या क्या चीज़ बनाते हैं और उनकी जो खूबी है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो कैसी है। उस चीज़ को समझिए कि एक्चुअली में जो मेरे कस्टमर चाहते हैं वो कंपनी बना रही है या नहीं बना रही है, क्योंकि आप अपनी मर्जी के अनुसार ले जाएंगे तो आपके कस्टमर को पसंद आए या ना पसंद आए इसका कोई प्रॉमिस नहीं है। लेकिन जब आप अपने कस्टमर को समझ रहे हैं और कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हैं जाकर कि कंपनी परफेक्ट चीज़ बना रही है जो मेरे कस्टमर्स को पसंद है, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर भी खुश रहेगा और उस कंपनी को भी एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी मौका मिलेगा कि आपके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इसमें आता है पहला मोड कि आप किसी भी कंपनी में जब कभी भी नई कंपनी से आप जुड़ रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन के बजाय आप चीज़ों को आकर देख कर लेके जाएं, मतलब कंपनी में आइए, विजिट कीजिए, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी किस तरीके से है, जैसा कि मार्केट की नीड है। यानी मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट रखते हैं अपनी शॉप में तो सबसे ज़्यादा सेल्स होने के चांसेस हैं। अब दूसरा मोड ये भी आता है कि अगर आप अपनी कंपनी में विजिट कर चुके हैं, जिस कंपनी को आपने चूज़ किया था, नई कंपनी है और उस कंपनी में आप विजिट कर चुके हैं, आपने माल अभी तक नहीं मंगाया, आपको इतना ट्रस्ट हो गया कि ये चीज़ कंपनी रिलेबल है और मेरे बिजनेस के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी ला सकती है, तो दोस्तों अब दूसरा मोड आता है ऑनलाइन मीडियम, यानी कि घर बैठे भी माल मंगाया जा सकता है, क्योंकि आपने वैरायटी देख ली है आकर और चूज़ भी कर लिया है। इवन आप
डायरेक्ट भी आकर ले जा सकते हैं। उसके अलावा आपको नेक्स्ट टाइम आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये आइडिया लग गया कि कंपनी कितनी ट्रस्टेबल है, क्या प्रोडक्ट बनाती है और किस तरीके की वैरायटी क्या रेंज से है। ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इवन चाहें तो आप एक डायरी पेन लेकर आएँ और चीज़ों को आप नोट करके लेके जाएं, जिनसे आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली में कंपनी की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। और क्वालिटी ज़रूर लिखिए और ये भी देखिए कि एक्चुअली में मेरे कस्टमर की नीड क्या है। तो अपने कस्टमर की नीड अगर आपको पता है तो आप कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको मैच कर सकते हैं अपने कस्टमर की नीड के साथ में। तो सेकेंड टाइम जब भी आप कभी भी माल मंगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी में जाकर ही माल मंगाएं, आप अपना टाइम मनी इन दोनों को सेव करें और इसको अपने बिजनेस में लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के लिए। आप अलग मीडियम आज के टाइम में दोस्तों डिजिटल एरा चल रहा है तो उसके माध्यम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, हमारी कंपनी है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जो कि ऑप्शन ये देती है कि आप घर बैठे माल मंगा सकते हैं पूरे एश्योरेंस के साथ में, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस जो है अगर आपको पता रहेगा तो आप माल मंगाएंगे किसी तरीके की हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रोसेस पूरा पता है। अब इसमें पहली बात ये आती है कि भाई हम किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो हमने माल तो देख लिया, लेकिन हमको जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो लैंग्वेज पता नहीं उस कंपनी के लोग बोलना जानते हैं या उन कंपनी के पास स्टाफ है जो हमारी लैंग्वेज को हमारे सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है पूरा प्रोवाइड कर दे। कभी कभी लैंग्वेज जो होता है एक बैरियर बन जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है, इसमें भारत की हर एक रीजनल लैंग्वेज का जो है स्टाफ मिल जाएगा। और जैसे कहते हैं ना कि प्रादेशिक भाषाएं जो होती हैं, यानी हर एक रीजनल लैंग्वेज हमारे यहाँ आपको स्टाफ मिलेगा। साउथ की बात करूँ तो चाहे वो तमिल लैंग्वेज है, तेलुगू है, कन्नड़ है, मलयालम है, और इस तरीके की काफ़ी सारी भाषाएं जो रीजनल लैंग्वेज में बोली जाती हैं वो सारी भाषाओं का स्टाफ आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी बात को संपूर्ण रूप से बातचीत करके जो है अपने कस्टमर की जो नीड है उसको बता सकते हैं और इवन आप कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में पूरा खुलकर बात कर सकते हैं। तो ये बैरियर जो है ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो आप मंगाना चाहते हैं प्रोडक्ट, एक बार तो आप विज़िट किए हैं, पहली बार ज़रूर विज़िट कीजिए दोस्तों किसी भी कंपनी में, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास आप ज़रूर आइए। जब भी आप चूज़ कर रहे हैं कि मुझे माल मंगाना है, स्टार्टअप करना है, उस कंडीशन में जिस भी कंपनी को आप चूज़ कर रहे हैं उस कंपनी में ज़रूर विज़िट कीजिए। तो पहली चीज़ ये होती है कि भाई अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देख लिया है, ऑनलाइन के माध्यम से आप मंगा रहे हैं, तो कंपनी क्या वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दे रही है जिससे मैं आप जो है घर बैठे सिलेक्शन कर सकूं, जिससे जो वैरायटी मुझे देखनी है वो सारी चीज़ें मैं देख सकूं। इवन अगर कंपनी आपको और भी मीडियम से दे रही है, जैसे PDF का माध्यम है, आजकल मोस्टली जो है इमेजेस भी भेजते हैं। अब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में PDF का माध्यम ज़्यादा चलता है, क्योंकि आपको एक PDF एक शॉर्ट फॉर्म में होता है, मतलब कि बहुत ही कम स्पेस लेता है मोबाइल में, और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, क्या रेट है, किस तरीके का डिज़ाइन है, प्रॉपर फैब्रिक का नाम क्या है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर को टेस्ट बताना है, इन सब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और कैसे जो मतलब प्रेजेंट किस तरीके से होगा प्रोडक्ट उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रियल में प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है और उसका अपीयरेंस क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगी और इसको जो है आप घर बैठे मंगा सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। अब काम आता है वीडियो कॉलिंग का, और आप डायरेक्टली जो हमारे बोर्ड लाइन नंबर वीडियो कॉलिंग के लिए दिए गए हैं उन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपनी वैरायटी जो भी आपने PDF सिलेक्शन किया है उसको जो है मंगा सकते हैं, यानी कि आप अपने मन माफिक जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आपको लिमिटेशंस रखनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीडियम एटलीस्ट कम से कम 20-25 किलो से वजन से कम जो है माल एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर 15,000 से 20,000 रुपये का लमसम जो है इतने अमाउंट का माल आराम से मंगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके अनुसार जो भी आपको पसंद आ रहा है उसमें एक एक सेट आप ले सकते हैं, चाहे साड़ी है, कुर्ती है, सूट है, दुपट्टा है, उसके अलावा ब्लाउज पीस है, लहंगे हैं, ये सब मिलाकर आप इतने तक का अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट की नीड कंप्लीट करनी है।
तो बात ये आती है कि भैया आपने सिलेक्शन कर लिया, आपको यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें आपने सिलेक्शन किया है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, उसका टोटल जो है जो उसका कोटेशन जो जनरेट होता है एक्चुअली में, वो कोटेशन किस तरीके से बनता है और उसका कोटेशन का कैसे हमको पेमेंट करना है, ये चीज़ बात आती है क्या। तो जो टोटल आपका कोटेशन बनता है उसमें कितने पीसेज आ रहे हैं, एक सेट में पर्टिकुलर कितने पीस हैं और कौन कौन सी डिज़ाइंस है, उसमें सारी PDF में आपको मिल जाएगी। कोटेशन में भी वही चीज़ मैंशन रहती है, इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी कंप्लीट रहेगी। GST होता है, क्योंकि GST इसलिए है, एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते आपको कंप्लीट जो है गवर्नमेंट अप्रूव बेस पे आपको यहाँ पर सब चीज़ें पक्की मिल जाती हैं, कच्चे वाला काम नहीं होता है। अब आपको करना होता है पेमेंट, तो पेमेंट का मोड काफ़ी सारे हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, RTGS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, उसके अलावा UPI बहुत ही यूजली है, और बहुत सारे लोग नहीं, मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में 95% लोग UPI यूज़ करते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो आप इस तरीके से जो है अपने जितने भी प्रोडक्ट आप सिलेक्शन करते हैं उसको पूरा कोटेशन मंगा कर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में पहले हम पेमेंट कर देंगे तो हमारा माल आएगा या नहीं आएगा, ये इंश्योर रहता है दोस्तों, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका माल वही जाएगा जो आपने सिलेक्शन किया है, जो आपने चूज़ किया है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी आपको जो भी चीज़ दे रही है वो पक्के में दे रही है, यानी आपको जो यहाँ पर कोटेशन मिल रहा है, कोटेशन जो है वो GST नंबर के साथ में कोटेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी घपलागोरी होने वाला दिक्कत नहीं रहता है। अब ये बात आती है कि आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका माल अगर बिफोर आफ्टरनून के पहले सिलेक्शन हो जाता है तो उसी दिन चला जाता है, अदरवाइज अगर शाम का टाइम रहता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चला जाता है, और विद इन 6 to 7 days में आपको मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर जानना चाहते हो तो हमारे वीडियोज़ काफ़ी सारे बने हुए हैं उसके बारे में, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कितने दिन क्या रेट लगता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को भी देख के और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने अपने स्टेट्स की ले सकते हैं कितने दिन और क्या रेट लगता है। तो इसके बारे में कोई जो है ज़्यादा यहाँ पर वीडियो में पर्टिकुलर जो है ओपन नहीं करूँगा, फिलहाल इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों अब ये बात आती है कि ये प्रोडक्ट जब आपको मिलता है तो ये प्रोडक्ट इंश्योर्ड होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो पक्का बिल जाता है वो होता है इंश्योरेंस बेस पे, तो आपको प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आप वीडियो ज़रूर बनाइए, आपको जब भी ये रिसीव होता है ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में, जब भी आप अपने एरिया में रिसीव कर रहे हैं तो उसका वीडियो वहाँ बना सकते हैं, प्रोडक्ट को ओपन करते टाइम भी आप वीडियो बना सकते हैं, जिनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करता हूँ ये ऑर्डर एंड प्रोसेस का जो है मीडियम आप समझ चुके हों, लेकिन अगर आप पहले हैं, पहले खिलाड़ी हैं इस बिज़नेस के मामले में, तो मैं यही गाइड करूँगा आपको कि आप कंपनी में विज़िट कीजिए, वैरायटी को समझिए, टेस्ट को समझिए, और आपके कस्टमर की जो नीड है उसको कंपनी कहाँ तक फुलफ़िल कर रही है उसको डायरेक्टली आप समझिए, जिससे आपके बिज़नेस में काफ़ी जल्दी जल्दी सफलता मिल सके। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, लाइक बटन आप प्रेस कर सकते हैं और इसी तरीके से मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको मैं और भी काफ़ी सारी जानकारी प्रोवाइड कर सकूं आपके बिज़नेस के लिए। और दोस्तों लास्ट में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए एक्चुअली में आपने अभी तक अगर बिज़नेस चालू करने की प्लानिंग रही है तो क्या आपने जितनी भी कंपनी से वैरायटी मंगाने की कोशिश की है उस कंपनी में विज़िट किए हैं या नहीं किए, क्योंकि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक, नई वैरायटी और नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।